खरीदारी का वक्त हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिक्शा यहाँ पे लगी हुई है और लोग यहाँ पर अपने घरों पर जाने के लिए यहाँ पे जल्दी जल्दी पहुँच रहे हैं, लेकिन यहाँ ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है इसीलिए वो लोग हर कोई जल्दी जाने की कोशिश में लगा हुआ है और रिक्शे वाले भी पूरी तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं। साथ में मुमरा स्टेशन पे रिक्शा यूनियन के सेक्रेटरी बालू भाई मौजूद है, हम उनसे रिक्शा के ट्रैफिक के बारे में पूछते हैं। बालू भाई, सबसे पहले आप ये बताएं कि रिक्शा का जो आपकी जो समस्या है और जो ट्रैफिक की भी समस्या है उस बारे में आप बताइए। ऐसा मालूम है मुमरा में जो ट्रैफिक होता है वो मार्केट बोलो, नए नए रिक्शा वाले आड़े टेढ़े गाड़ी चलाना और विदाउट लाइसेंस, इसके ऊपर ट्रैफिक का कोई बंधन ही नहीं। इसके वजह से जो कारोबार जो चल रहा है इसके लिए रिक्शा वाले को नियमावली है ही नहीं, इसके वजह ट्रैफिक का समस्या ज़्यादा बढ़ता है। अभी अक्सर देखा गया है कि नए नए जो ड्राइवर आए हैं वो अमृत नगर तक ही रिक्शा लेकर जाते, आगे की तरफ नहीं जाते, और अगर लेकर भी जाते तो कुछ ज़्यादा पैसे की मांग करते, तो क्या आपकी यूनियन में भी इस तरह की कोई समस्या है? इसके बारे में देखा मुमरा में, देखो अमृत नगर में जो हाथगाड़ी वाले ज़्यादा लगते उसके वजह से ट्रैफिक जाम होता है, ट्रैफिक की वजह से रिक्शा चालक कंटाल जाता है, कंटाल जाने की वजह से नज़दीक का भाड़ा मारने का ज़्यादा सोचता है, लेकिन ऐसा कारोबार अभी होगा नहीं। इसके आगे हमारा सुधारना करना चालू है, थोड़ा नौसा तक जाएगा, ज़्यादा भाड़ा नहीं चुकाएगा, इसके बारे में हम लोग रिक्शा वाले से बातचीत चालू है। रमज़ान में किस तरीके का आपका सहूलत चल रही है लोगों के लिए? लोगों के लिए जैसा मतलब पब्लिक ज़्यादा होता है इसके लिए रिक्शा वाले को मतलब चार्जशीट का परमिशन ऐसा मुँह मांगे ले आए, लेकिन कायदे से नहीं, थोड़ा सहूलत दे दो, सहूलत देने के बाद थोड़ा रिक्शा वाला पब्लिक कवर करता है, यही सहूलत हम लोगों ने उससे मांगा। इफ्तार के समय में जो भी ट्रैफिक की समस्या थी उसमें कुछ हद तक कंट्रोल किया गया है और आने वाले जो बचे हुए रोजे हैं उसमें भी ट्रैफिक की समस्या ना हो ऐसी हम ट्रैफिक विभाग से उम्मीद करते हैं, ताकि रोजेदार को अपने घरों में पहुँचने में परेशानी नहीं हो और वो अपने ट्रैफिक को बराबर कंट्रोल करते रहे। कैमरामैन हनीफ शेख के साथ हुसैन सुल्तान, फरहाद टाइम्स।